नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो गया है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते दलित प्रेम से बसपा अभी भी खौफ में है। वैसे तो आम तौर पर हाल फिलहाल में हुए चुनावों को देखें तो लगता है कि मोदी से दलितों का मोह भंग हो चुका है, परंतु पिछले कुछ समय से मोदी सरकार द्वारा दलितों को वापस जोड़ने के लिए जिस स्पीड से दलितों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, उससे विपक्ष खासकर बसपा प्रमुख मायावती घबरा रही है और मोदी के चाल को विफल करने के लिए अपने जनाधार को नीचे से मजबूत करने में जुट गई हैं। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मोहबोली बहन कमर मोहसिन शेख ने राखी बांधी और उनके स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की कामना की। बाद में शेख ने बताया कि वह मोदी को उस समय से जानती हैं जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता थे, लेकिन मोदी जी 24 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बयान, जिसमें सिद्धारमैया ने कहा था कि मैं जल्द ही सीएम बनूंगा, उस बयान पर कुमार स्वामी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस दिन मैं सीएम पद की शपथ ले रहा था उसी दिन मेरे माथे पर लिख दिया गया था कि मैं कितने दिनों तक सीएम रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी नहीं मेरा काम बोलेगा कि मैंने जनता के लिए क्या काम किया है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है सपा नेता आजम खान ने बीजेपी द्वारा शुरू किए गए अटल जी की अस्थि कलश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मुझे किसी प्रकार से यह पता चल जाए कि मेरे जाने के बाद मेरा खूब मानदान होगा तो मैं ऐसी कुर्बानी देने के लिए आज ही तैयार हो जाऊंगा। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके पाकिस्तान दौरे को लेकर जो विरोधी बयान आ रहे हैं वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसके तार कहीं और से जुड़े हैं, इसलिए मुझे इनकी परवाह नहीं है क्योंकि पार्टी हाईकमान भी मेरे साथ है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि डोकलाम संकट से जिस तरह से निपटा गया वह दिखाता है कि हम अब 1960 के दशक वाला भारत नहीं रह गए हैं और जो लोग इसे लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं उसके पास शासन को लेकर बौद्धिक स्तर की समझ नहीं है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनी ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस बारे में कंपनी का दावा है कि अखबार में राफेल विमान सौदे को लेकर प्रकाशित एक लेख मानहानि कारक और अपमानजनक है, इसलिए उन्होंने ये दावा ठोका है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू नए नए मंत्री बने हैं, उन्हें राजनीति सीखने में अभी वक्त लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को झप्पी डालने के कारण सिद्धू को बर्खास्त किए जाने से मना कर दिया है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने राफेल डील मामले में मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि राफेल स्कैंडल देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है समाजवादी नेता भगवती सिंह के जन्मदिन के मौके पर सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने भावुक होते हुए कहा कि ऐसा वक्त आ गया है कि मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, लेकिन शायद मेरे स्वर्ग सिधारने के बाद लोग मेरा सम्मान करने लगेंगे। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए प्रदेशवासियों से कहा है कि भाई बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी ईश्वर का वरदान है तो बहन आशीर्वाद प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूप है, आइए बहन बेटी की रक्षा और उनकी तरक्की का संकल्प लें। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हमारी लड़ाई पीएम को हटाने की नहीं बल्कि देश और संविधान को बचाने की है।
और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो बढ़िया खीर बन सकती है और उस खीर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कुशवाहा के इस बयान का तेजस्वी यादव ने समर्थन भी किया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में गठबंधन के सुगबुगाहट बढ़ गए हैं। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, बिहार के नवादा जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने वाहन क्लेम के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के क्षतिपूर्ति व हर्जाने के एवज में 2,60,000 रुपए देने का आदेश दिया है। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, वैश्विक सांस्कृतिक संस्था एशिया सोसाइटी के बेवरेज क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पेप्सिको की चेयरपर्सन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नुई को एशिया गेम चेंजर ऑफ द ईयर 2018 सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता लिंडसे वाल्टर्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका और चीन के बीच 2 दिनों तक व्यापार मुद्दों को लेकर चली वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और इस बातचीत में केवल प्रतिनिधि मंडलों के बीच आर्थिक रिश्तों में निष्पक्षता, संतुलन और पारस्परिकता को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, अमेरिका के मसीगन विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ता के अनुसार वायु प्रदूषण से किडनी डिजीज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर आदमी को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 349 सिविल जज की भर्ती कर रहा है और इसके लिए आवेदक का लॉ से स्नातक होना जरूरी है। योग्य उम्मीदवार 28 सितंबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा है, मेरे पास भाइयों की फौज है और इस फौज का लीडर सिद्धार्थ चोपड़ा है, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, बॉलीवुड के किंग खान ने एक इंटरव्यू में हॉलीवुड में काम करने को लेकर कहा कि शायद मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए हॉलीवुड में मुझे काम नहीं मिलता है। और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप भी रह सकें अपडेट।